हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवतन अग्रवाल और आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम आपका चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है कि अब मोबाइल रिपेयरिंग में कैरियर है या नहीं है, या जो नए बच्चे आने वाले हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि आने वाले समय में 2021 के बाद अब कितना कैरियर होगा, क्या इस फील्ड में आए कि नहीं आए, कितना ज़्यादा हम इस फील्ड से अर्न कर सकते हैं, कितना नॉलेज की इसमें ज़रूरत है और क्या क्या हम इस कैरियर के अंदर क्या क्या इस फील्ड में हम कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और तो बहुत सारी चीज़। सो ये सब कुछ बताने वालों में इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि वाकई में इस फील्ड में आना है कि नहीं आना है। यहाँ पर आज हम ईवीएमसी चेंज आपको सोल्यूशन दिखा रहे हैं। कौन कौन यहाँ पे ईवीएमसी चेंज कर लेगा, ये देखिए। तो आपको देखकर ही मैं यहाँ पर दिमाग में डाल देता हूँ भाई, इन स्टूडेंट को अपना पर्सनल गिफ्ट देना है। यहाँ पर कितने बजे के कितने बजे है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों, आज बात करेंगे कैरियर की। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा हम क्राइटेरिया बताते हैं कि इस फील्ड में आने के लिए क्या क्राइटेरिया है। अगर मैं बात करता हूँ पढ़ाई की, तो दोस्तों पढ़ाई का क्राइटेरिया इस फील्ड में निल है। अगर मैं आपको जरूरी नहीं, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप 11 पास हैं, 12 पास हैं, आप IIT हैं, IITN हैं, जो भी हैं आप, या आपने 10 पास किया है, आप 8 पास या 8 पास हैं, क्योंकि ये फील्ड ना प्रैक्टिकल फील्ड है। ये फील्ड पूरी की पूरी आपकी आपके दिमाग पे, ये फील्ड पूरी की पूरी आपकी एक कंसेप्ट को लेकर बनाई गई, एक सिलेबस है। अगर आप उस सिलेबस को सही तरीके से पढ़ लेते हो और उसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज, मतलब ऐसा नहीं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसमें है ना, इस फील्ड में कोई भी इंस्टीट्यूट, जैसे कि हम ही अगर कोई भी इंस्टीट्यूट जैसे कि हम ही अगर हमारे पास कोई बच्चा आता है तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल जीरो लेवल पर। कि अगर मैं इस PCB की भी बात करूं, तो इस PCB ये कौन सी धातु से बनी हुई है, इस पर कौन से धातु के कंपोनेंट लगे हुए हैं, कौन से मेटल यूज़ किया जाता है, तो सारी चीज़ें बेसिक से बताई जाती है। तो अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है और अगर आपको लगता है कि मैंने स्कूलिंग नहीं की है, मैंने कॉलेज नहीं किया, तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो। दोस्तों, हमने बहुत सारे मोबाइल टेक्नीशियंस दिए हैं इस इंडिया, पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, और बहुत सारे, मतलब 5,000-10,000 से ऊपर हमने दिए हुए हैं। आप जैसे कि आपने देखा ही होगा, हमारे कम से कम 1,000 के ऊपर और दूसरे चैनल पे एक और 1,000 के ऊपर, लगभग 2,000 के ऊपर हमारे वीडियो ही आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट आकर अपना भविष्य बनाते हैं। बट मैं ये बताना जरूर चाहूँगा कि उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने BCOM किया होता है या किसी ने कोई डिग्री करके आया होता है, पर 90% बच्चे दोस्तों उसमें वो होते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई कम होती है या जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे। मुझे बहुत अच्छे से पता है और हो सकता है कि इस वीडियो में कमेंट भी करे वो बच्चा, राजू करके एक स्टूडेंट है मुंबई से, और वो जब पहली बार आया था हमारे पास में तो उसने बताया था कि सर मुझे लिखना भी नहीं आता। इससे पहले भी एक सुनील करके स्टूडेंट था, MP से था, तो उसने भी बताया था सर मुझे लिखना नहीं आता, बट वो पूरा सीख के गया, पूरा ICO का काम सीखा उसने, पूरे कंपोनेंट कैसे चेक करना है, वोल्टेज कैसे चेक करना है, मल्टीमीटर का नॉलेज, सारी चीज़ वो सीख कर गया बाकायदा। तो एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर आपका दिमाग में हो गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री होना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत पढ़ाई लिखाई, आपका बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत एक डब्बू किस्म के भी आदमी होना, बट आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में जा रहे हो। चलिए बात करते हैं, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखो, पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक पैशन का कोर्स है दोस्तों। ये अगर कोर्स आप फॉलो करोगे तो आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो, अपनी लाइफ में बहुत कुछ बन सकते हो। दूसरी बात, सबसे बड़ा पॉइंट बात करते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में अब आप जाओगे तो आपको कितना पैसा लगेगा, आप बेसिकली कितना पैसा आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये जो है ये बिज़नेस अब पहले जैसा नहीं रहा, जब नोकिया के टाइम आता था या जब टच वाले मोबाइल शुरू हुए आना, और 3G मोबाइल की हम बात करेंगे, या उसके बात करें कि जब 2015 से पहले का जो भी सिनारियो था हमारी इंडस्ट्री का, जब ओप्पो वीवो नहीं आए थे और बहुत सारे ऐसे कॉमन मोबाइल जो 5,000-6,000 में आपको रैम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बड़ी बड़ी साइज में आपको स्क्रीन प्रोवाइड कराई जा रही है, तो वो सारी चीज़ें जब पहले नहीं थी तो तब इतना सब चलन नहीं था। तब मैं जानता था कि मोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक
डी ग्रोथ थी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं था। टेक्नीशियन को एक अलग छोटे लेवल पे देखा जाता था। जनरली एक SMD लेकर बैठ जाते थे, वो भी 800-1000 रुपये की, 821 इस तरह के 820-821 क्विक की आती थी जो SMD, वो लेकर बैठ जाते थे। एक सोल्डिंग आयरन लेके ले लेते थे और कुछ टूल मोबाइल फ़ोन को खोलने के लिए, एक सोल्डर ले लेते थे, एक सोल्डिंग वायर ले लेते थे। उस समय ICO का बहुत ज़्यादा काम नहीं था, ब्लैक पेस्टेड ICAं होती थी, स्क्रैपर नहीं होते थे, स्टेंसिल नहीं होते थे, PPD भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी और बहुत अलग अलग चीज़ों की बात मैं करूँ, स्कमेटिक नहीं होते थे और कुछ भी टूल्स नहीं होते थे, बहुत सारे टूल्स अभी जो मार्केट में होते वो नहीं होते थे। तो बहुत पहले ऐसा था। अभी लोग पहले की चीज़ों को अभी लेके ना चले, क्योंकि अभी की बात करूँ तो मार्केट में दोस्तों इतना काम है, और अगर सही तरीके से देखो तो बहुत से लोग बहुत सारा पैसा भी लगाने के बाद में कहीं ना कहीं उनको एक टूल ऐसा लगता है कम है मेरे पास। अभी माइक्रोस्कोप की बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी के मोबाइल फ़ोन में नैनो कंपोनेंट लगे हुए हैं, नैनो साइज़ के कंपोनेंट लगा दिए हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल बारीक होते हैं, जिनको आंखों से देखा नहीं जा सकता। क्योंकि जब आप IC निकालते हो और जब आप पैड क्लियर करते हो, पैड बनाते हो, या आप जंपर लगाते हो, बारीक से बारीक जंपर लगाते हो, तो आपको वो आंखों से आप देखोगे तो होगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको माइक्रो चीज़ों की ज़रूरत है। आप समझिए, माइक्रो टूल जैसे माइक्रोस्कोप आपको चाहिए, आपको SMD काफ़ी अच्छी चाहिए। सबसे बेस्ट SMD अगर आप यूज़ नहीं करोगे, अगर आप लो क्वालिटी के SMD यूज़ करोगे तो वो आपकी हीट ज़्यादा देगी, आपको एयर फ्लो देती रहेगी, तो उसमें क्या होगा, कंपोनेंट उड़ सकते हैं, उसमें आपका बोट टेम्पर हो सकता है। तो उसके अलावा सोल्डिंग आयरन भी है कि कितनी जल्दी गर्म होती है, और वाकई में क्योंकि कुछ सोल्डिंग आयरन क्या होती है, सिर्फ हमें लगता तो है गर्म है पर वो बिल्कुल गर्म नहीं होती है, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म होती है एक टेम्परेचर पे। क्योंकि अभी मैं टेक्निकली मैं बात करूँ तो हमको बोर्ड पर ना पूरा टेम्परेचर का गेम है दोस्तों। अगर हम टेम्परेचर पे खेलेंगे और अगर मैं टेम्परेचर का नॉलेज होगा कि SMD का टेम्परेचर, आपकी सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर कितना, सब कुछ रखना है आपके रूम के एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपने मोबाइल रिपेयरिंग में। चलिए ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो मतलब कहने का मतलब है इस पर मैं पूरा डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा इसके बाद ही, कि कितना पैसा लगेगा मैं आपको बताऊंगा, और टूल्स के भी कुछ प्राइस बताऊंगा, और एक बेसिक बजट और एक अच्छा बजट भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं कि सीखने के बाद अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कहीं सीखने भी जाते हैं तो आप क्या डायरेक्ट दुकान पे जाके बैठ सकते हैं, या आप किसी दुकान पे काम करें, क्या आपका ट्रेंड है, क्या आपका दिमाग में चल रहा है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ उन बच्चों को जिनके पास में अगर बजट है, जिनके पास अगर दो ऑलरेडी दुकान है, या जिनके पास में दुकान खोलने का है, तो बिल्कुल वो दुकान खोलिए। क्योंकि आप किसी अंदर में भी बैठेंगे तो भी आपको काम आएगा, अपनी दुकान पे खोलेंगे तो भी आपको काम आएगा, और अगर आपको सीख गए सो ऑब्वियस है कि मुझे पूरे यकीन है आपने प्रैक्टिस भी अच्छी की होगी। क्योंकि वही बच्चा सीखने के बाद में काम कर सकता है जो लगातार प्रैक्टिस कर रहा हो अपने ही काम में, और जो प्रैक्टिस अच्छा करेगा तो उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फिर वो दूसरी दुकान क्या, अपनी दुकान क्या, फिर दूसरों की दुकान में बैठ के क्या करोगे, अपनी दुकान खोलो और अच्छा कमाओ और अपने आप को बढ़ाओ, मैं ये समझता हूँ दोस्तों। मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में ये कितना कैरियर है, तो बहुत कैरियर दोस्तों। अभी की फील्ड ये सबसे ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड कैरियर या मनी ओरिएंटेड कैरियर, वर्क ओरिएंटेड क्या नहीं है इस फील्ड में। आप देखो कि पूरे दुनिया में एक ऐसा ही हब है जहां आपको पैर खड़े करने की जगह नहीं है, वो है मोबाइल हब। आज की डेट में आपके घर में हर एक सदस्य के पास एक मोबाइल या दो मोबाइल कम से कम तो होंगे ही होंगे। इवन आपके जो छोटे से नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं, जो बेचारे होते हैं, वो खेलने के लिए भी मोबाइल का यूज़ करते हैं। बच्चे भी बैठ कर मोबाइल में आजकल, क्योंकि वैसे भी जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो जब माहौल चल रहा है तो सब डिजिटलाइज हो चुका है। तो अभी कॉलेज भी ऑनलाइन हो गए हैं, सारी चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो ये ऑनलाइन के चक्कर में मोबाइल फ़ोन और यूज़ हो गए हैं, इनका काम और बढ़ गया है। अब आप मुझे बताइए कि कोई भी मोबाइल फ़ोन जब आप नया ख़रीदते हैं तो जब वो बिगड़ जाता है या वो गिर गया, वो डैमेज हो गया, सब उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, या उसका LCD ब्रेक हो गया, या उसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, साउंड नहीं बज रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप सर्विस सेंटर जाते हो तो क्या सर्विस सेंटर आपको बना कर देता है? नहीं, सर्विस सेंटर कभी भी ये काम नहीं करते हैं, वो सर्विसिंग का काम नहीं करते हैं दोस्तों। वो ओनली दे आर बिलीविंग ओनली चेंज, वो हमेशा आपके मदरबोर्ड आपको नया करके दे देंगे, बाकी वो आपको ये बोलेंगे कि खराब है, क्योंकि उनको सुधारने का हक ही नहीं है।
वो आपको आपकी चीज़ को सुधार कर नहीं देने वाले, वो आपको नया बोर्ड आपको बोलेंगे, और वो भी तब जब आपके टर्म्स कंडीशन में होगा। अगर आपके टर्म्स कंडीशन में नहीं बैठा तो फिर आपका बोर्ड बेकार है, फिर वो आपको इतना पैसा बताएंगे जो आप कभी भी रिपेयर ही नहीं करा सकते। आप सोचेंगे इससे अच्छा तो नया मोबाइल ले लूँगा। अब मान लीजिए आपका डिस्प्ले चला गया और एक सब्जी ग्राफिक्स की सप्लाई में है, ड्यूअल सप्लाई जो ड्यूअल कॉइल लगी होती है वो ओपन हो गई, या आपका फ़ोन गिर गया उसकी वजह से आपका सीपीयू हल्का सा, ये मान के चलिए कि उसके पैड निकल गया जिसको हम बोल सकते हैं कि सीपीयू हल्का सा हिल गया, सो उसकी वजह से आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब इसमें सीपीयू को रिवॉल्व करना है, तो ये एक बेसिक वर्क है एक टेक्नीशियन के लिए। सीपीयू को रिवॉल्व करना वो बहुत अच्छे से सीखता है एक इंस्टीट्यूट में, सीखने के बाद अपने आप प्रैक्टिस करता है और उसके बाद फिर वो किसी भी मोबाइल के सीपीयू को अच्छे से रिवॉल्व कर सकता है। तो जब आप किसी टेक्नीशियन के पास जाएंगे तो वो आपका सीपीयू रिवॉल्व करेगा, और आपसे हो सकता है वो 1,500 रुपये ले, 2,000 रुपये ले। अब आपका मोबाइल मान लीजिए 10,000 का भी है तो 2,000 में बन रहा है, वहीं आपका सर्विस सेंटर आपसे उसी मोबाइल के 10,000 वापस मांग रहा है, 8,000, 9,000, 6,000 का बोर्ड या कोई भी पैसा आपसे, जो आपको लगता है कि यार ये सही नहीं है। तो क्यों नहीं है, इस मार्केट में बहुत कैरियर है। अभी मैं आपको सच बताऊं कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अभी ज़्यादातर इंजीनियर बैठे होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़े लिखे बैठे होते हैं जो डिग्री होल्डर होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है सरकार कोई जॉब दे या ना दे या कहीं पर किसी प्रकार का जॉब होना हो, आज की डेट में लोगों को एक ऐसा बिजनेस चाहिए जिनसे जो नॉलेज गेन करके वो आगे बढ़ सके, एक ऐसा बिजनेस जो एंडलेस हो, जो अनंत हो, जो अभी चालू करें, जो ख़त्म ना हो, और जिसमें सीखते हैं। बट दोस्तों ये बिजनेस ना सीखने का बिजनेस है, मतलब आप जितना सीखोगे आप उतना ही कर पाओगे, आप उतना ही करोगे। अगर आप ये सोचोगे कि मोबाइल रिपेयरिंग से जाऊंगा और आईसी सीख लूँगा, एक पार्ट सीख लूँगा, सॉफ्टवेयर सीख लूँगा या हार्डवेयर सीख लूँगा, तो फिर शायद आप पूरा काम ना कर पाओ। इसलिए इस बिजनेस में आने से पहले मैं सबको हिदायत यही दूंगा कि आप एक पहले ये सोच लो कि मुझे इस बिज़नेस को करना है एक एंड लेवल तक, मतलब मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है इसमें। अगर आप सोचेंगे पार्ट टाइम में कर लूँगा तो दोस्तों पार्ट टाइम में आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्क अपना इनपुट देना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। दोस्तों ये वर्क बहुत हार्ड है, क्योंकि अभी की डेट में आईसीओ का काम, आईसीओ को निकालना, आईसीओ को पर काम करना, स्कीमेटिक रूप से सर्टिफिकेट की सप्लाई, सब कुछ बहुत हार्ड लेवल पे है। और ये सारी चीज़ कर पाना हमारे बेसिकली जब तक एक सही इंस्टीट्यूशन आपको ना समझा दे, आपको पता ना चले, आप ये कर ही नहीं सकते। YouTube को देखकर, YouTube को फॉलो करके अगर आप किसी मोबाइल को रिपेयर करोगे तो चार बिगाड़ोगे, एक बनाओगे, क्या सीखोगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आए कि इस मोबाइल की फील्ड में पैसा है कि नहीं है। बहुत पैसा है दोस्तों मोबाइल की फील्ड में। हमारे पास मोबाइल शॉप नहीं है, फिर भी हमारे नाम से हमें इतने कुरियर आ जाते हैं, हम अपना पोस्ट एक फेसबुक में डाल देते हैं, उस पर नीचे नंबर डाल देते हैं, तो हमारे पास में उस नंबर से ही चार लोग कॉल कर देते हैं, भाई मेरा मोबाइल बनाओगे क्या। भाई ठीक है भाई, 500 रुपये ले लूँगा, 800 रुपये ले लूँगा, मैं दिन में 4 मोबाइल भी बना देता हूँ दोस्तों। तो अगर मैं 500 रुपये से भी बात करूँ तो 2,000 रुपये मैं वैसे ही कमा लेता हूँ दिन में, 4 रुपये से 2,000, एक महीने का 60,000 तो मैं वैसे ही निकाल लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा काम करोगे तो यार अच्छा कमाओगे, और इस फील्ड में ना कमाई एक लिमिटलेस है। अगर आप अच्छा करोगे तो बहुत अच्छा कमाओगे दोस्तों। सब कुछ आपके नॉलेज पर है, आपके हार्डवर्क पे है, और पॉजिटिव, एक नेगेटिव व्यक्ति कभी भी ये कोर्स नहीं कर सकता, कभी एक नेगेटिव व्यक्ति कभी भी ये धंधा या बिजनेस नहीं कर सकता, ये बात भी आप दिमाग में ले लेना। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के कुछ नए वीडियो पे। आई होप कि आपको ये छोटा सा ज्ञान अच्छा लगा हो, और ये मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ मैंने शेयर किया। बताइए कमेंट पे और क्या किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, उस पर जरूर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।